लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा नहीं, हृदय में लक्ष्मण जी से किसी ने पूछा कि हृदय में इच्छा हुई तो कहते क्यों नहीं हो, कहा किन से, भगवान से। लक्ष्मण जी बोले तो जिस हृदय में इच्छा हुई है क्या उस हृदय में भगवान नहीं है। प्रियम को पतियां लिखूं जो कहूं हो ये विदेश, तन में मन में प्राण में तासों कौन संदेश। कहना पड़े। एक भक्त किसी संत से बोले हम भगवान से बहुत प्रार्थना करते हैं पर भगवान सुनते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है। तो कहा संत ने कि तू सुनाते क्यों हो, सुनाना तो पड़ता ही है। महात्मा बोले अंतर्यामी को अपनी सुविधा समझावे रे, कर कर सोच विचार व्यर्थ तू बुद्धि गमावे रे, मेरे मन क्यों घबरावे रे। अरे जो हो रहा मन में होने दो, उसी मन में हो भी है। सो तुम जाना हो अंतर्याम। लक्ष्मण जी ने नहीं कहा, लक्ष्मण जी ने कहा नहीं और भगवान समझ गए। राम अनुज मन की गति जानी, भगत वछलता ही ये हुलसानी। भगवान भक्त वत्सल हो गए, भगत वत्सल का ही हो इंसान। अब लक्ष्मण जी तो प्रभु भय बहुर मुनि सकुचाई, पर राम जी जान गए और राम जी ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव हे प्रभु स्वामित्र जी ने कहा कहो राम भद्र क्या बात है। कहा लखनपुर देखन चाहिए, लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं। अब गुरुदेव मुस्कुराए हैं कि यह बड़ी विलक्षण घटना है। क्या का जिसे देखना है वो कह नहीं रहा है और जो कह रहा है उसे देखना नहीं है। नाथ लखनपुर देखन चाहिए, लक्ष्मण जी नगर देखें, लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं। नाथ लखनपुर देखन चाहिए, तो गुरुजी भी मनी मन बोले कि देखन चाहिए तो काय न कहीं, देखना है तो कहते क्यों नहीं। महाराज ऐसा है प्रभु प्रभाव डर सकुचत आहें, आपके प्रभाव से संगोच। अच्छा यह अद्भुत बात, राम जी कह रहे हैं कि लक्ष्मण संकोच कर रहे हैं। अच्छा बोलो संकोची कौन है, लक्ष्मण जी के राम जी? संकोची तो राम जी है। अच्छा जो परम संकोची हैं वे बोल रहे हैं, और जिन्होंने बोल बोल कर बड़ों बड़ों की बोलती बंद कर दी वो संकोच कर रहे हैं। किसी ने कहा कि राम जी संकोची होकर भी आज इतने मुखर कैसे हो गए। भक्त के मन से भगवान का मन एक है, भगवान आज लक्ष्मण होकर बोले और यही कहा कि गुरुदेव लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते, लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते और आपके संकोच से कह नहीं रहे। गुरु जी बोले ठीक है। महाराज जनक के अनेक सेवक घूम रहे हैं, उनमें से चार को बुला लेते हैं और कहेंगे कि जाओ लक्ष्मण जी को नगर दिखा ला। राम जी बोले गुरु जी अगर आपकी आज्ञा हो तो हम लक्ष्मण को नगर दिखा लें, जो राउर आयस हो पावो नगर दिखा, हम नगर दिखा लाए। गुरु जी बोले राम जी एक बात बताओ, क्या इससे पहले कभी जनक आए हो? नहीं आए। पहले कभी जनकपुर देखा ना? तो कहा जब तुम्ही ने नहीं देखा तो इन्हें क्या दिखा लाओगे? नहीं महाराज दिखाएंगे तो महाराज जनक के सेवक
नगर दिखाएंगे तो महाराज जनक के सेवक ही, और गुरुजी बोले देखना है लक्ष्मण जी को, फिर आप क्यों जा रहे हैं? राम जी बोले गुरुजी हम तीसरा काम करेंगे। कौन सा? कहा कि नगर दिखाएंगे सेवक और नगर देखेंगे लक्ष्मण जी और हम रहेंगे तो तीसरा काम। जय जय नगर दिखाई, पता नहीं सेवक कब तक नगर दिखाएं और कब तक लक्ष्मण जी नगर देखते रहें। अगर हम संग रहेंगे तो नगर दिखाई तुरंत ले आओ, हम जल्दी लौटा लाएंगे। हम रहेंगे ना तो जल्दी लौटा लाएंगे, इसलिए हमें चले जाने दीजिए। गुरु जी के नेत्रों में आंसू आ गए, प्रेम आंसू भर आए, कहने लगे राम हम समझ गए क्या भक्त वत्सल हो ना, इसलिए लक्ष्मण नगर देखे बिना नहीं रह सकते। लक्ष्मण नगर देखे बिना नहीं रह सकते और आप लक्ष्मण को देखे बिना नहीं रह सकते, इसलिए जाने की बात है। जहां जहां बछड़ा चले आ चली जावे गैया, और कह दारू जहां चले भक्त जन संत जन ताता जाए दमैया, भगत बछलता ही होल साए। लक्ष्मण नगर देखे बिना नहीं रह सकते और आप लक्ष्मण को देखे बिना नहीं रह सकते, यह भक्ति का भाव है, भगवान की करुणा का भाव है, छोह का वात्सल्य का भाव है। और व्यवहारिक दृष्टि से तुरंत ले आओ, क्योंकि व्यवहार में सावधानी चाहिए। और भाव की दृष्टि से लक्ष्मण को देखते रहे भक्त वत्सल है। अच्छा, अज्ञान की दृष्टि से भी इसका अर्थ लगावे, बड़ा अच्छा अर्थ है। विश्वामित्र जी बोले राम तुम क्यों जा रहे हो, क्यों जा रहे हो राम जी आप नगर देखने? गुरु जी आप आज्ञा दे दे जाऊं, जरूर जाओगे। क्यों? आध्यात्मिक दृष्टि से एक है नगर दिखाने वाले सेवकगण, दूसरा है नगर देखने वाला। तो नगर दिखाएंगे सेवक, तो सेवक कौन? अच्छा, हम लोग जब भी जगत के बाजार में आते तो सेवक ही तो नगर दिखाते हैं। चाहे भाव राज्य ही किसी दिव्य तीर्थ में ही हो, सेवक कौन है? कहिए नेत्र रूप नगर दिखाते हैं, श्रवण शब्द संसार से परिचय करा रहे हैं, नासिका गंध के संसार में ले जाती है, लसना स्वाद के, त्वचा स्पर्श के, ये बाजार घुमाने वाले ये सेवक ही यही तो दिखाते हैं। तो अब ये सेवक नगर दिखाते हैं और इन सेवकों के द्वारा नगर को देखता कौन है? लक्ष्मण। तो भगवान की कथा से इतना ही ले लें कि सेवक इंद्रियां ये नगर दिखाते हैं, देखता कौन है? मन। मन दिखना चाहता है और सेवक दिखाएंगे, तो दिखाएंगे सेवक, देखेगा मन। तो फिर राम जी कौन है? कहा कि बस जो दिखने वाले को देखे वह मन है और जो देखने वाले को देखे वही भगवान है। इसलिए विषय कर्ण सुर जीव समेता सकल एकते एक सचेता सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। एक है दिखने वाला यह जगत, एक है देखने वाला यह जीव, एक है देखने वाले को देखने वाला वही ब्रह्म है, राम ब्रह्म परमानंद रूपा। इसीलिए गुरुजी कहते हैं जरूर जाओ। और तीसरी बात गुरुजी ने और अद्भुत कही कि मैं तो तुम दोनों को ही भेजूंगा। क्यों? क्योंकि नगर तो मुझे देखना है, तुम्हारा तो वहां है। और कोई भी जब नगर को देखता है तो अपनी दोनों आंखों से ही देखता है, तुम ही दोनों तो मेरी दोनों आंखें हो। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना सो प्रभु मैं देखूं भरी नैना, और ज्ञान विराग नयन उर्गारी जाओ। लेकिन एक काम करना, क्या? देखने ही नहीं दिखाना, देखने ही नहीं दिखाना भी। अच्छा, दिखाएं क्या? का नगर तो देखना पर कुछ दिखाना भी, क्या करें? का इन ज्ञानियों के नेत्र सफल कर देना। एक तो ज्ञानियों के नेत्र सफल नहीं होते क्या? सफल नहीं हुए क्या आज तक? जनकपुर वाले इतने बड़े ज्ञान हो ही नहीं सकते। क्यों?
क्योंकि उनके निश्चय में यह है कि जो कुछ दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है, मन इंद्रियों का जो विषय है वो सब सो सब माया जानहु भाई, वैसे मिथ्या है, मिथ्या है। पारमार्थिक सत्ता उसकी नहीं है, प्रातभाषिक सत्ता है, मृगजल है, मिथ्या है। तो क्या ये नेत्र मिथ्या को देखने के लिए ही मिले? और अगर नेत्र से मिथ्या ही देखा गया तो नेत्र सफल कहां हुए? तो विश्वामित्र जी बोले, राम जब तुम जाओगे ना और तुम्हारा मुखार बिंदी ये जनकपुरवासी देखेंगे तो आज इनका भ्रम टूटेगा। कौन सा? आज यह समझ लेंगे कि नेत्रों से जो दिखाई देता वो केवल मिथ्या ही नहीं है। फिर अरे सत्य को देखा जाए, इतना ही नहीं स्वयं सच्चिदानंद को देखा जा सकता है। और जब तुम्हें देखेंगे तो इनके नेत्र सफल हो जाएंगे। करो सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखा, अपना सुंदर मुख चंद्र दिखाकर सबके नेत्र सफल। करहु सुफल सबके नयन, मुझे भी कभी लगता है अज्ञानी का भ्रम ज्ञानी महात्मा तोड़ते, अज्ञानी का भ्रम महात्मा तोड़ते। और ज्ञानी को भ्रम हो जाए ज्ञान होने के बाद सब मिथ्या है, इस भ्रम को परमात्मा तोड़ते हैं। अवतार लेकर दर्शन लेकर इनमें भगवान भी स्वयं सच्चिदानंद भगवान है। करो सुफल सबके नयन, सुंदर बदर दिखाए। देखन नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप समाचार मिथिला पति पाए, समाचार पुरवासिन पाए, समाचार पुरवासिन पाए, समाचार पुरवासिन पाए, धाये धाम का सब त्यागी, आधाए धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी, भगवान नगर दर्शन के लिए आए अपने अनुज श्री लक्ष्मण जी के संग। मनहु रंक निधि लूटन लागी पुरवासी, अजय भगवान का दर्शन तो कर रहे हैं पर भवन में रहकर झरोखे से झांक कर। मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र है, इसलिए मानसिक तुलसीदास जी कहते हैं कि माताएं भगवान का दर्शन तो कर रही हैं पर मर्यादा के भवन में रहकर भाव के झरोखे से झांक कर। युवती भवन झरोखन लागी और जैसे ही उन मिथिला की माताओं ने श्री राम जी को लक्ष्मण जी को देखा तो यही बोली, कितने सुंदर है, सोने को गुमान गयो गोरे को बिलो की सखी, सोने को गुमान गयो गोरे को बिलो की सखी, सांवरे को देख नील कमल लजाए हैं, भूपति राजेश मिथिलेश के बुलाई बेपे, युगल कुमार संग कौशिक जू लाए हैं, हेरत हजारन के हियरा हरन किए, लाखन के लोचन चितई के चुराए हैं, दौरी दौरी मिथिला की आली कहे आपस में, चित्त को समारोरी पुरी में चोर आए हैं। विश्व विलोचन चोर, चित्त को समारोरी पुरी में चोर।
श्री राघवेंद्र अपने अनुज लक्ष्मण जी के संग। अब माताओं ने देखा मिथिला की देवियों, अब भवन के झरोखे से झांका ऊपर से, अब ऊपर से कोई देखे तो क्या दिखे, सामने की स्थिति दूसरी थी, सामने वाले भवन के झरोखे से दूसरी सखी, इधर वाली सखी ने उधर वाली से बात की कि बहन कुछ दिखता है, तो दूसरी सखी बोली हां कुछ तो दिखता है, क्या श्याम गौर अंग की छवि छटा दिखती है, नीलांबर पीतांबर दिखता है, काली घुंघराली अलकें दिखती हैं, अलकों पर रखी हुई चौतनी दिखाई देती है, पर सखी मुख नहीं दिखाई देता। तो दूसरी सखी बोली मुख कैसे दिखे, ये राह चलते कोई ऊपर थोड़े ही ताकेंगे कि कोई इनका मुख देख ले, ये ऊपर ताकेंगे नहीं, और तुम नीचे उतर के जा नहीं सकती, मर्यादा तुम्हारे लिए भी है उनके लिए भी है, ये ऊपर नहीं ताकेंगे। एक सखी बोली जाने दो, फिर मिथिलानियों का प्रभाव ही क्या रहा, अभी देखेंगे। तो एक उपाय खोजा, क्या अब जोर जोर से बोलने लगी ताकि सुन ले, कहा कि बहन ये रास्ते में दो राजकुमार जा रहे हैं, इन्हें तुम जानती हो कौन है, तो दूसरी सखी बोली इनकी कौन कहे, हम इनके बाप तक को जानते, बाप को हाँ, ये दो दशरथ के ढोटा, बाल मराल निके कल जोटा, ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र, और इतना कह के मौन हो गए। अब आप विचार करो, अपरिचित शहर में कोई दो जाएं और ऊपर से कोई उनके पिता का नाम लेकर बात करे तो चौंकनी देखें कौन है, हमें जानने वाला कौन है। तो राम जी तो शांत गंभीर रहे, छोटे भैया थोड़े चंचल हुए, लेकिन वे भी तो मर्यादा में है। श्री राम जी से कहा कि प्रभु अगर आज्ञा हो तो एक बार सिर उठा के ऊपर देख ले, कोई अपने परिचय की प्रतीत होती है, पिताजी का नाम लेकर बातचीत कर रहे हैं। राम जी बोले हम इसीलिए आए, ऊपर बिल्कुल मत देखना, ये मिथिला है, ये मिथिला है, यहां सिर मत उठा। और संकेत कितना सुंदर है, ये मिथिला तो भक्ति की भूमि है, भाव की भूमि है, और प्रेम की नगरी में सिर उठाने में शोभा नहीं, सिर झुकाने में ही शोभा है। सिर तो अभिमानियों की दुनिया में उठाया जाता है, और प्रेम की दुनिया में तो सिर झुकाने में ही शोभा है, मत उठा सिर झुकाए चलो। एक सखी बोली कि इन्होंने तो देखा ही नहीं, तुम्हारा तीर बेकार गया। वो सखी बोली अभी क्या, इसलिए नहीं देखा, सोचते होंगे कि बड़े बाप के बेटे, हमारे पिता का नाम कौन नहीं जानता, अब मैं इनकी माताओं के नाम लूंगी तब जरूर देखेंगे। माताओं के नाम लिए, कौशल्या सुत सो सुख खानी, कौशल्या सो सुख खानी, नाम राम धनु सायक पानी, कौशल्या सो सुख खानी, कौशल्या सो सुख खानी। सामने राजकुमार की मैया का नाम कौशल्या और राजकुमार का नाम श्री राम, और गोरे राजकुमार की मैया लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सखिता सुमित्रा माता, आ, आ, आ। गोरे राजकुमार की मैया का नाम सुमित्रा और राजकुमार का नाम लक्ष्मण। अब तो लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया, बोले प्रभु बुरा मानो या भला, हम तो एक बार अवश्य देखेंगे। माताओं तक के नाम जानती, उन्हें यह पता है कि माताएं अलग अलग हैं, जरूर अपनी कोई मामी या मौसी यहां पहले से है जो सब जानती है।
राम जी मुस्कुराए, लक्ष्मण ये कुछ नहीं है, जनकपुर है, सिर उठा के ऊपर देखो ही मत, इसीलिए तो हम साथ आए कि तुम्हें संभाल कर फिर लौट कर गुरु जी के पास लेकर चले। अब एक सखी ने कहा कि इन्होंने ऊपर देखा ही नहीं, तो दूसरी सखी बोली हमें ऐसा लगता है क्या कहीं ये राजकुमार, ये दोनों राजकुमार बहरे तो नहीं, और ये बहरा उसे कहा जा रहा है जो सुनई बिनु काना। एक सखी बोली हमें तो ये दोनों गूंगे भी लगते हैं, आपस में भी इशारे ही कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, गूंगे। और गूंगा उसे कहा जा रहा है जो बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। तब तक तीसरी सखी बोली न बहरे न गूंगे, हमें तो गुमानी लगते हैं, अभिमान, किस बात का गुमान है, ये सुंदर है ना। दूसरी सखी बोली सुंदर तो है, इसमें तो कोई संदेह नहीं। पर पहली सखी बोली हां सुंदर तो है, पर कितने, हमसे पूछो कितने सुंदर है। श्री तुलसीदास जी बरवे रामायण में संकेत करते हैं, सखियों ने कहा गर्व करो रघुनंदन जनि मन माह, और देखो आपनी मूर्ति सिय की इच्छा। हमारी श्री जानकी जी की जैसी सांवली सांवली परीक्षाएं है ना, वो उतने ही सुंदर आप हैं, ज्यादा सुंदर नहीं है। और सुंदरता का बड़ा अभिमान हो तो हम पुष्प वर्षा कर संकेत करती हैं कि पुष्प वाटिका में आना तो पता लगेगा कितने सुंदर हो। पर दूसरा भाव यह है कि इनके अगर ऐसे नहीं सुन रहे तो इनके ऊपर कुछ गिराओ, तब तो चौंक कर देखेंगे। पर सखी क्या गिराएं, कमल कोमल कमनीय कलेवर में चोट लगेगी, तो पुष्पों की भी पंखुड़ियां अलग की गई, पराग बरसाया गया। पर यहां श्री तुलसीदास जी बड़ा सुंदर संकेत करते हैं, ही हरसई बरसई सुमन सुमुखी सुलोचनी ब्रन। मन सुमन है, मुख से जो चर्चा हो रही हो सुमुख, नेत्र देख रहे हैं तो सुलोचनी। अच्छा, क्या सुंदरता के प्रति राग मन में जग जाए तो मन सुमन रहे, मुख सुमुख रहे, नेत्र सुलोचन रहे? नहीं। कब का ये सौंदर्य श्री राम का है, चाम का नहीं, यह चाम का सौंदर्य नहीं है, काम का सौंदर्य नहीं है, श्री राम का सौंदर्य है। अजय का तो चाम के सौंदर्य में और श्री राम के सौंदर्य में क्या अंतर है? कहा कि चाम का सौंदर्य देखकर व्यक्ति को अपनी देही की याद आती है, देह की याद आती है, पर श्री राम का सौंदर्य देखकर देही की नहीं वैदेही की याद आती है। बरसावरो जानकी जोगो, श्री जानकी गुरुदेव की आज्ञा मिली, लेन प्रसून चले दो भाई। श्री राघवेंद्र श्री लक्ष्मण पुष्प वाटिका में पधारे हैं, पुष्प और दल का चयन करने के लिए। भूप बाग बर देखे उजाई जा बसंत ऋतु रही लुभाई, बसंत रे तुर बसंत रे तुर बसंत रे बसंत ऋतु। श्री राघवेंद्र बोले लक्ष्मण
लखौ लखन यही बाग में बसत सदैव बसंत। बसंत ऋतु उस समय तो नहीं थी जब श्री राम जनकपुर गए, फिर बसंत ऋतु कैसे? श्री तुलसीदास जी बोले इसलिए क्योंकि यह बसंत ऋतु अपने समय से आई थी और इसे पता लगा कि आने वाली ऋतु में भगवान श्री राम आएंगे। तो बसंत ऋतु ने कहा कि अब मैं जाऊंगी नहीं, भगवान का दर्शन करूंगी, भगवान के दर्शन के लोभ से जन्म बसंत ऋतु रही लुभाई। बसंत ऋतु रहेगी कहीं नहीं लुभाई, पर भगवान श्री राम चारों तरफ देखते हैं। चहुं दिस चितई पूछी, श्री राघवेंद्र चारों तरफ देखते हैं। चहुं दिस चितई क्यों? लक्ष्मण जी ने कहा कि तू चारों ओर क्या देख रहे हैं? श्री राम जी बोले हम यही देख रहे हैं कि कोई दिख नहीं रहा है, कोई दिखे तो उससे पूछकर फूल तोड़े दल उतारे। श्री राम जी चारों तरफ इसलिए देख रहे हैं कि कोई दिख नहीं रहा है ताकि उससे पूछकर पुष्प दल का चयन करें। और आज इस युग में हम भी चारों तरफ देखते हैं, कोई पूछे कि क्या देख रहे हैं तो श्री राम जी तो कहते हैं कि कोई दिख नहीं रहा है जिससे पूछे, और हम चारों तरफ दिखे लोग पूछे क्या देखे तो हम तो यही कह रहे हैं, हम तो यही देख रहे हैं कि कोई देख तो नहीं रहा है। राम जी कहते हैं कोई दिख नहीं रहा है और हम कहते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा है। राम जी बिना पूछे फूल तक नहीं तोड़ते, हम लोग ताले तक तोड़ डालते हैं फूलों को, पर कोई तो देख ही रहा है। नेक कमाई कर ले बंदे कर्म न करना काला, नेक कमाई कर ले बंदे कर्म न करना काला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, पुण्य की नैया पार लगावे, पुण्य की नैया पार लगावे, पाप की नौ डुबा तेरे मालिक के दरबार में है सबका जीवन खाता, मेरे मालिक के दरबार में है सबका जीवन खाता, मेरे मालिक के दरबार में। देखने वाला देखा, मैं देख रहा हूं कि देखते हैं आप? और कौन कहता है मुझे होश नहीं, आप देख रहे हैं, सबका खाता है, लेखा जोखा है। बड़े बड़े कानून प्रभु के बड़ी कई मर्यादा, किसी को तोड़ा कम ना तोले और नरक की ज्यादा, लेने देने और चमक खर्च का सही हिसाब लगाता, मेरे मालिक के दरबार है सबका जीवन खाता, मेरे मालिक के दरबार है सबका जीवन खाता, मेरे मालिक के दरबार। एक संत के पास एक सज्जन अपने बेटे को ले गए, महाराज आप इसे समझाओ, आप ही इसका सुधार करते हो। मामा बोले कोई व्यसन है, कोई बुरी आदत है? बोले ना कोई व्यसन है ना कोई बुरी आदत है। फिर का ये खाता बहुत, दिन भर खाता था, सवेरे से शाम तक कुछ ना कुछ खाता ही रहता है। मामा हंसकर बोले तो इसकी चिंता करो। अरे कैसे नहीं महाराज, ये बहुत ज्यादा खाता है। महात्मा बोले ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है, खाते से ज्यादा कोई नहीं खाता। देखने वाला देख रहा, राम जी चारों ओर देखते कि कोई दिख जाए। मिल गए मिथिला के माली, आहा भगवान मिथिला के मालियों से कहते हैं आप हैं पालक बाटिया के, हम बालक नेह सुने तिहार है, लाल साहे के यही मन में तनसो गुरुदेव को कार्य सारे, भक्ति के भाव को शक्ति मिले यही आप उदय सहयोग संवारे, पूर्ण हेतु प्रसून कहे हम आयस होए तो पुष्प उतार। धन्य हो गए मिथिला के माली, पर विनोद तो उन्हें करना ही। क्या कहा सरकार, आप बगीचे में प्रवेश करना चाहते हैं पुष्प और दल का चयन करने के लिए? हाँ,
यही तो पुष्प और दल के उतारण की अनुमति ने, अनुमति हम आपको बाग में प्रवेश नहीं करने देंगे, नहीं नहीं जा सकते। श्री लक्ष्मण जी को बड़ा पता लगा कि ऐसी बेइज्जती तो आज तक नहीं हुई बगीचे में। पर राम जी ने कहा लक्ष्मण सुनो सर हम बात करें। श्री राम जी ने कहा क्यों नहीं हमें बगीचे में प्रवेश मिलेगा, आप अनुमति क्यों नहीं देंगे, और अगर हम बाग में नहीं गए तो कुछ और दल का है गुरु पूजन लिए कैसे कर पाएंगे। मान बोले सरकार हम किस लिए हैं, बगिया बिच ज्ञान न दई है राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच ज्ञान न दई है राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच ज्ञान न दई है राम जी बिनती सुनो, बगिया ज्ञान राम जी बिनती सुनो, बगिया राघवेंद्र हम आपको बगीचे नहीं जाते। श्री राम बोले पुष्प और दल, माली बोले सरकार हम किस लिए हैं, दल फूल तो हम नहीं है राम जी बिनती सुनो, दल फूल हमोरी हम नहीं है राम जी बिनती सुनो, राम जी बिनती सुनो। हम दल फूल का चयन के लाए ना। राम जी ने कहा आपकी भावना का हम सम्मान करते हैं, पर गुरुदेव की आज्ञा है गुरु आज्ञा गरी ऐसी, हम गुरुदेव की पूजा के लिए पुष्प दल की सेवा स्वयं करेंगे। महाराज हम जाने भी दें पर हमारा हृदय स्वीकार कर दे, क्यों बात क्या हमारी भूल बात यह है, कोमल चनन कमल बिनु पनहीं, आपके चरण कमल कमल से भी अधिक कोमल, और फिर बिना पाद प्राण के हैं निरावरण चरण है, कोमल चरण कमल बिन पनहीं। लक्ष्मण जी बोले जनक जी का इतना नाम और बगीचे की यह व्यवस्था, कांटे कंकड़ पड़े नहीं छोटे सरकार, कांटा कंकड़ तो एक भी नहीं है, फिर इस बात का कोमल चरण कमल बिनु पनहीं, डरिए पुष्पों की पपुरी पायन गड़ी बिनी है राम जी बिनती सुनो, पपुरी पायन गड़ी है राम जी बिनती सुनो, पपुरी पायन गड़ी राम जी बिनती सुनो। श्याम और सुनो दो लालन आए कांते उरायन में, मिथिलेश की बटिका में बिहरो हीरो हरो हेरी सुभायन में, यहाँ कौन पठायो दया नीलायो सुतोरन फूल उपायन में, रघुराज कहूं गड़ी गई है लला पूबान की पाखुड़ी पायन। एक सजन बोले जाए तो भाव, एक सजन बोले जाए तो भाव, एक सजन बोले जाए तो भाव, एक सजन बोले जाए तो भाव।